सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। इसको जैसा कि आप देख रहे हो आईबर्ड स्कूल में हम बैठे हैं और यहाँ पर सेमीफाइनल कार्यक्रम जो हो रहा है और अभी हम आईबर्ड स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं मैम श्वेता सिंगला गोयल से उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से उनकी सारी कार्यवाही रही और कैसा उनका योगदान रहा इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। नमस्कार। एसबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है मैम। मैम ये ऐसा कार्यक्रम आज आपके यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर पहले भी ऑडिशन हुए हैं तो कैसा महसूस हो रहा है जी आपको? आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यूथ एंड किड्स ऑल्सो। जो ये मिस्टर एंड मिस हिसार का जो कंसेप्ट है इससे हमारी यूथ इसमें ग्रो कर रही है और हिसार में पूरे टैलेंट से भरा हुआ है तो सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने टैलेंट को शो करने के लिए। और जो हमारी यूथ है आप जैसा देख ही रहे हैं पूरे रेडी हैं वो इस चीज़ को लेके मॉडलिंग और डांसिंग में, तो तभी एक यूथ ग्रो करेगा तो इंडिया ग्रो करेगा। आप में इस कार्यक्रम में स्पॉन्सर भी रही हैं तो कैसा आपने किस प्रकार से प्रेरणा मिली आपको ये कार्यक्रम करने की, कैसे मन में आया? देखिए ऐसे अगर कार्यक्रम होते रहेंगे तो यूथ जो है वो अभी ये होता है कि एजुकेशन फील्ड में ही अपना सर्च करता है कि इस एज में ये होता है कि हम अपना करियर कैसे चुने, बट जो टैलेंट है वो हिडन ही रह जाता है उनका कि डांसिंग में वो करना चाहते हैं मॉडलिंग करना चाहते हैं तो जो चीज़ें हैं वो उनकी निकल के आती हैं, उन्हें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो हमें प्रोवाइड करवाने में बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को लेके। आपके स्कूल में ऐसे निरंतर कार्यक्रम होते रहे तो इसके लिए आपकी क्या आगे की रणनीति रहेगी? डेफिनेटली लाइक अभी कुछ डेज पहले हमारा डांडिया इवेंट था उसमें लेडीज़ ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बेबी शो रहता है हमारा एज ए प्ले स्कूल हम जैसे बेबी शो करते हैं, फैशन वीक रहता है तो उसमें लेडीज़ जो बच्चों की जैसे जो यंग जो रिलेटिव्स हैं स्पेशली गर्ल्स तो उनको तो हम मोटिवेट करते ही रहते हैं तो ऐसी चीज़ों को लेके आगे भी हमने प्लान किया हुआ है, अभी फैशन वीक भी आ रहा है हमारा। लगातार ऐसे आपको क्या लगता है ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और इससे क्या बच्चों को कितना फायदा होगा? डेफिनेटली ये ऐसे होते रहते हैं और होने भी चाहिए क्योंकि बच्चों को भी इससे मोटिवेशन मिलता है कि आज के टाइम ऐसा नहीं है कि एक बच्चा बुक वॉर्म ही बन के रह जाए कि उसको केवल बुकिश नॉलेज ही हो, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। और टीवी पे भी हम लोग देखते हैं कितने रियलिटी शोज चलते रहते हैं तो ये सब होगा तो बच्चों को लगेगा कि यस वी आर ऑल्सो इन द सिटी जहाँ पे ये सब इवेंट्स चलते रहते हैं और हम भी उनमें अपना टैलेंट करें। बच्चे इवनिंग क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं लाइक इन अ प्ले स्कूल जो हमारे इवेंट्स हैं हमारे स्कूल में भी रहता है डांसिंग का, मदर्स भी मोटिवेट रहते हैं और जो उनकी जैसे कजन्स हैं या सिबलिंग्स हैं जो कि स्कूल्स में तो पार्टिसिपेट सभी कर रहे हैं इसमें। धन्यवाद मैम। थैंक यू। बिल्कुल ये हमारे साथ ही डायरेक्टर साहब मैम जिन्होंने अभी सारी जानकारी दी, हमें बताया कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहने चाहिए, इनसे बच्चों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने में, उनको मदद मिलती है। हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। अब तक आपने देखा भी हमारा जो सारा का सारा कार्यक्रम जो सेमीफाइनल का कार्यक्रम वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।